हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए एक बार ये भी समझ लेते हैं कि स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं और यूनिट कैसे बनाते हैं। यूनिट कैसे बनाते हैं ये हमें समझना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैली आरपी 9 को। यहां पर टैली आरपी 9 मेरे पास पहले से ओपन है और यहां पर हम अब सेल्स वाउचर में एक एंट्री बनाएंगे और उसमें हम यूनिट्स बनाना सीखेंगे कि हम कैसे यूनिट बनाते हैं। ठीक है, तो यहां सेल्स वाउचर के लिए मैं क्लिक करूंगा, यहां पर F8 बटन प्रेस कर सकता हूं और यहां पर एक सप्लायर इनवॉइस नंबर डालता हूं मैं। ठीक है, और यहां पर आएगा डेटर पार्टी का लेजर, तो दुर्गेश डेटर मैंने पहले से बना के रखा है, पहचान के लिए डेटर लिखा हुआ है यहां पे ताकि पहचान हो सके कि ये डेटर पार्टी का लेजर है। यहां पे हमने एंटर करा और यहां पर एंटर करते हुए अब यहां पर बायर दुर्गेश और यहां पे एड्रेस डालेंगे, तो जो भी एड्रेस है वो मैं डाल देता हूं यहां पर। एड्रेस को डालने के बाद इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब यहां पर आएगा सेल्स का लेजर, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और यहां पर लेजर बनाने वाली फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। यहां पर लिखिए सेल्स अकाउंट, एंटर प्रेस किया और यहां पर आएगा अंडर सेल्स के ग्रुप में ये आएगा, तो यहां एस प्रेस करेंगे तो यहां सारे ऐसे रिलेटेड लेजर हमें दिखाई पड़ेंगे और हमें सेल्स अकाउंट चूज कर लेना है। यहां से एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करके हमें डिस्काउंट फिलहाल नहीं देना है और यहां पर गुड्स होगा, सर्विसेज नहीं होगा। सर्विसेज हम कब लगाते हैं, जबकि हमें टीडीएस वगैरह अप्लाई करना होता है, तो टीडीएस सर्विसेज पे लगता है ना कि गुड्स पे लगता है, वहां पर हम सर्विसेज रख सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है। अब यहां पर हमें सीखना है कि हम स्टॉक आइटम कैसे बनाएंगे, तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए आपको सिंपली अल्ट के साथ सी प्रेस कर सकते हैं आप। यहाँ जैसे ही अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे तो स्टॉक आइटम क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे जो भी आपको स्टॉक आइटम बनाने हैं वो आइटम आप दे सकते हैं। कैसे देंगे ये चलिए देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमें बनाना है हेडफोन, तो यहाँ लिखा हमने हेडफोन, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। अब इसको अंडर प्राइमरी ग्रुप में रखेंगे, ठीक है, प्राइमरी में रख लिया हमने। अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से अल्ट के साथ सी प्रेस करके आप ग्रुप भी बना सकते हैं, फिलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है तो हम यहीं पर रहेंगे, प्राइमरी में ही इसे रखेंगे। यूनिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, पहले मैंने आईटीएम यानी आइटम के नाम से ये यूनिट बनाई हुई है। अगर आपको यूनिट यहाँ पे बनाना है तो प्रेस कीजिए अल्ट के साथ सी, तो ये यूनिट क्रिएशन वाली विंडो ओपन होगी और यहाँ पर आप यूनिट बना सकते हैं। जैसे हमने हेडफोन लिया है, ठीक है, तो आप यहाँ पीसीएस कर सकते हैं, पीस कर सकते हैं, ठीक है, आइटम भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने पीस और यहाँ पे क्वांटिटी में पी जैसे ही प्रेस करेंगे तो पैक पीसेज ये सब चीजें आएंगी, तो यहां पर आप पीसेज कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। यहां जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, सेट ऑर्डर जीएसटी डिटेल को हमें अभी टच नहीं करना, एंटर प्रेस करके गुड्स रख के यहां पे एक्सेप्ट कराएंगे और यहां पे क्वांटिटी आएगी, तो क्वांटिटी कितनी है इसकी, जैसे सपोज कीजिए 5, यहां पे नेगेटिव स्टॉक इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको परचेज ही नहीं किया है, ठीक है। तो एक चीज इसमें और आपको सीखने को मिलेगी कि नेगेटिव स्टॉक जो है ये हमारा जब एरर आता है तो ये क्यों आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हमने किया, चलिए इसको अवॉइड करते हैं और एक की कीमत 500 रुपए, तो 5 की कीमत यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर हम लगा सकते हैं या फिर चाहे तो और भी स्टॉक आइटम बना सकते हैं, अल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं और भी स्टॉक आइटम हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूं मोबाइल, ठीक है, तो अभी इसमें भी नेगेटिव स्टॉक आएगा क्योंकि हमने मोबाइल परचेज करा नहीं है और बेचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आइटम रख लेता हूँ और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक मोबाइल हम लेते हैं, देखिए यहाँ नेगेटिव स्टॉक आ रहा है और यहाँ पर एक मोबाइल की जो रेट है वो 6000 रुपए है, तो यहाँ पे एक मोबाइल हमने सेल कर दिया, ठीक है। लेकिन इस टाइप की एंट्री को हम क्या मानते हैं, गलत एंट्री मानते हैं टैली में, तो हमें ऐसी एंट्री नहीं करनी, हमें पहले परचेज वाउचर में जाना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जाएंगे, यहाँ देखिए अकाउंटिंग वाउचर में है, अब हमें परचेज में जाना है, ठीक है। तो यहां से आप क्लिक करिए इस पे, ये जो साइड में बना हुआ है यहाँ पे F9 बटन प्रेस कर सकते हैं, फंक्शन बटन, या इस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे जो सप्लायर इनवॉइस नंबर है वो डाल देता हूं मैं और यहाँ पर कैश नहीं रखेंगे हम, यहाँ पर डेटर के बजाय क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाएंगे क्योंकि परचेज वाउचर की बात है, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कराएंगे। अब यहां पर आएगा परचेज अकाउंट का लेजर, ठीक है। अब यहां पर जो स्टॉक आइटम बनाने हैं वो बनाएंगे हम, तो यहां पर बना लेता हूं मोबाइल, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि मोबाइल नाम का एक स्टॉक आइटम हमने पहले से बना रखा है तो उसको डिलीट करना होगा, तो डिलीट कहां से करेंगे, ठीक है, तो डिलीट करने के लिए हमें जाना होगा इन्वेंटरी इन्फो पे, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पर आ जाइए और इन्वेंटरी इन्फो पे जाइए, यहाँ से स्टॉक आइटम पे जाइए और यहाँ पर जो आपने स्टॉक आइटम बना रखे हैं अल्टर में चले जाइए। यहाँ पे देखिए हेडफोन और मोबाइल, ये दो आइटम हमने बनाए थे जिसके कारण हमारा नेगेटिव स्टॉक आ रहा था, तो पहले हेडफोन को डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाइए, अल्ट के साथ डी प्रेस कीजिएगा तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है।
और फिर यहां पे मोबाइल को डिलीट करना है तो फिर यहां पे इसको एंटर करिए, ओपन करिए, इसको अल्ट के साथ डी दबाइएगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अब हम चलेंगे स्टॉक आइटम बनाने वाले कैटेगरी में, तो यहां पर अब बनाते हैं हम यहां पे बना सकते हैं मोबाइल स्टॉक आइटम, ठीक है। तो ये ले लिया हमने मोबाइल, और यहां पे आप चाहे तो ग्रुप बना सकते हैं, किस ग्रुप के अंडर इसको रखेंगे, हम फिलहाल प्राइमरी ही रखते हैं और यहां आइटम कर देते हैं और यहां पे इसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा लेते हैं जैसा कि आप जानते हैं। और यहां पे मोबाइल के बाद अब हम क्या करेंगे, ओके आइटम कर देते हैं। यहां पे देख रहे हैं आप यूनिट भी मैंने बनाया है, तो यूनिट जिस तरह से मैंने बनाया है वैसे आप यूनिट भी बना सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आइटम हमने बना लिए हैं, अब हमको चलना है वापस गेटवे ऑफ टैली पर और यहां से आ जाना है परचेज वाउचर में। तो यहां पर मैं इनवॉइस नंबर डालता हूं और यहां पे हम कैश नहीं रखेंगे, यहां पे क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, तो ये संदीप क्रेडिटर यहां पे दिया हुआ है, इंटरफेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट कराएंगे। यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा। अब यहां हेडफोन के लिए जैसे ही हम आएंगे तो यहां हेडफोन हमें दिखेगा, तो कितना हेडफोन हम खरीद रहे हैं, जैसे 7 हेडफोन हम खरीद रहे हैं, एक की कीमत है 500, तो यहां पर हमारा कीमत आ गई इसकी। अब दूसरा जो है मोबाइल खरीद रहे हैं तो एम प्रेस करेंगे तो मोबाइल आ जाएगा, और यहां से जैसे सपोज कीजिए 5 मोबाइल खरीद रहे हैं, एक की कीमत 7000 है तो 5 की कीमत आ जाएगी। अब यहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर आ जाएगा, तो पहले से बना रखा है सीजीएसटी, तो यहां सीजीएसटी लगा दिया हमने। सेम स्टेट की बात होगी तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे, अदर स्टेट की बात होगी यानी इंटर स्टेट की बात होगी तो आईजीएसटी भी लगाएंगे, और अगर बात होगी यूनियन टेरिटरी की, जैसे दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है और अंडमान निकोबार है, इन सब के लिए अगर बात करेंगे तो वहां पर यूटी जीएसटी लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम क्या करते हैं, एसजीएसटी लगा देते हैं, तो यहां एसजीएसटी का लेजर भी पहले से बना रखा है, लगा दिया, एंटर प्रेस किया और यहां न्यू रेफरेंस कर देंगे हम और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है, करा दिया। अब हम आएंगे सेल्स वाउचर में, तो यहां से आ जाते हैं एफ8 प्रेस करके सेल्स वाउचर में आ गए। अब यहां पर 400 नंबर का रेफरेंस नंबर हमने डाल दिया और यहां पर अब डेटर पार्टी का लेजर आएगा, इसको एंटर करके अब देखिए यहां पे सेम स्टेट का मामला है, यहां पे देखिए स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश, और वहां पर भी क्या था, स्टेट उत्तर प्रदेश था, तो सेम स्टेट का मामला होगा, तो सीजीएसटी एसजीएसटी ही लगाएंगे। तो अब यहां पर क्या करना है, जो स्टॉक आइटम हमने बनाए थे, जैसे हेडफोन बनाया था तो 7 आइटम खरीदे थे, तो यहां पर जब हम 7 आइटम से ज्यादा डालेंगे, जैसे क्वांटिटी अगर 8 डाल देंगे तो तुरंत नेगेटिव स्टॉक आएगा, देखिए यहां पर -1 नेगेटिव स्टॉक आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर यह भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा आपका कि यह नेगेटिव स्टॉक क्यों आता है, अगर 7 आइटम हम डालते हैं, 6 आइटम इससे कम डालते हैं तो यहां पे नेगेटिव स्टॉक आने के चांसेस नहीं है, ठीक है। और एक हेडफोन जो आपने 500 में खरीदा था, अब इसको 600 में हम बेचेंगे, ठीक है, तो ये हो गया। अब मोबाइल फोन की भी बात करेंगे तो सेम वही कंडीशन है, 5 मोबाइल फोन हमारे पास है, अगर हम यहां पे 6 मोबाइल बेचने की कोशिश करेंगे तो नेगेटिव स्टॉक आएगा, ठीक है। तो ये मतलब है कि नेगेटिव स्टॉक क्यों आता है, ठीक है, अगर 5 अगर सेल करते हैं तो नेगेटिव स्टॉक नहीं आएगा, 7000 का खरीदा था इसको 7900 में हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगा देंगे, सेम स्टेट की बात होगी तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे, तो यहां पे सीजीएसटी देन एसजीएसटी लगा दिया हमने, आप देख सकते हैं इसको, ये एसजीएसटी है, एसजीएसटी वाला लेजर इसमें इंसर्ट कराइए और ये हो गया हमारा। अब यहां पे जो है अगेंस्ट रेफरेंस कर देंगे हम, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, बस हमारा हो गया काम। इस तरह से करके हमको एंट्री बनानी है, तो उम्मीद करता हूं कि स्टॉक कैसे बनाना है ये आपको जरूर समझ में आया होगा, साथ ही साथ यूनिट कैसे बनानी है और नेगेटिव स्टॉक क्यों आता है, ये सारी बातें आपके समझ में जरूर आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।